दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। 1136 का, सॉरी 1007 का एक पावर सप्लाई है रिपेयर के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल प्रॉब्लम भी दिख रहा है हमें कि ये एक्चुअली ये खान भाई ने लेके आए। सो गाइस, ये थोड़ा अर्जेंट है, अर्जेंट में काम आया है रिपेयर करने के लिए। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं और इसे रिपेयर करूँगा। तो रिपेयर करने के पहले बता देता हूँ कि इस पावर सप्लाई में रिस्टार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो इसमें ये कैपेसिटर फुला हुआ है इसका, तो हम इसे चेंज करेंगे, आप देख सकते हो। और इस पर फिर लास्ट में आपको एक वोल्टेज इसका चेक करके भी मैं दिखाऊंगा कि इस पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। और ये 1007 प्रिंटर का पावर सप्लाई है। तो सबसे पहले निकालने पहले हमें इस पर ट्राई शोल्डर मारना होगा। रिपेयर करते के वक्त इसमें मैं कुछ बताऊंगा, भी जानकारी देना चाहूंगा आपको कि ये नो पावर वगैरह में कैसे क्या रहता है। गाइस, अगर इसमें नो पावर में अगर होता है कभी कभी, बहुत बार देख लूँ मैं। अरे, मेरा आयरन चालू नहीं है। सो मैं आयरन चालू कर लेता हूँ, तब तक आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसमें मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ये यहाँ पे फ्यूज़ है इसका, ठीक है। इस तरफ फ्यूज़ है, तो ये नो पावर की कंडीशन में फ्यूज़ चला जाता है इसका। और बहुत बार इसका ये मॉस्फेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी चेंज करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है पर यहाँ तक सप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसमें ये जो रजिस्टर होता है 22 ओम्स का रजिस्टर होता है, ठीक है। किसी किसी में अलग होता है, ये आई थिंक सिल्वर है। तो इसे मुझे चेक करना होगा कितना है। 22 ओम्स का नहीं है शायद, ये ज़्यादा है। तो मुझे प्रॉपर पहले बना होकर चेक करना होगा, उसके बाद ही कंफर्म बता पाऊंगा ये। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। बहुत बार ये रजिस्टर यहाँ का ख़राब हो जाता है, तभी भी वोल्टेज पास नहीं होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं पहुँच पाता। यहाँ पे सेकेंडरी में भी एक फ्यूज़ लगा हुआ है, आपको ये भी चेक करना होता है इसके सेकेंडरी सेक्शन में अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो, ओके। और बहुत बार वाइट स्क्रीन यहाँ पे आता है, तो वाइट स्क्रीन में यहाँ पे एक मॉस्फेट रहता है इस तरफ, ठीक है। तो ये आपको चेंज करने से जैसे, सॉरी वाइट होनिंग, सॉरी उसके लिए, ये एक्चुअली इसके लिए है। आपका हीट नहीं होता है अगर, जैसे हीटर वगैरह, तो अगर हीट नहीं होता है तो आपको ये 101% आप ये चेंज करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर वाइट स्क्रीन आता है तो आपको इसमें वाइट स्क्रीन आने पर आपको एक बार पूरे कंपोनेंट को चेक करना है और सबको ड्राई शोल्डर करना है, प्राइमरी को और इस सेक्शन को, मतलब यहाँ का जो ट्रांसफार्मर है यहाँ को थोड़ा हीट करके देखना। अगर नहीं होता है शोल्डर करना, सॉरी नहीं होता है, तो इसे चेंज करना होता है वाइट स्क्रीन में, ठीक है। तो ये थी कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ, और अब मैं इसे चेंज करूँगा। पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, ये हो चुका है फटाक से। शोल्डरून का आयरन काफ़ी अच्छा होता है, तो काफ़ी देख सकते हैं मैं शोल्डरून का यूज़ करता हूँ, जल्दी से हीट हो जाता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। तो मैं मेरे भाइयों को यही बोलूँगा कि अगर आपको जैसे शोल्डर का आयरन यूज़ कर आयरन अगर यूज़ करते हो तो शोल्डर का यूज़ करो, जल्दी ख़राब भी नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, खड़ा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका शायद टांग टूटा हुआ है या जो भी है, नहीं ये निकल गया एक्चुअली। तो देख सकते हैं आप भी, ये है 400 वोल्ट 39 माइक्रोफेरेट का। तो इसमें हम और भी अच्छा लगाएंगे। सो मेरे पास जो है वो है 450 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेट का, तो ये भी चल जाएगा। कैपेसिटर बहुत अच्छा आता है ये, पर इससे थोड़ा लो में देखेंगे तो, सॉरी, तो हम ये लगा देंगे, चल जाएगा। ये भी लगा सकते हैं 47 माइक्रोफेरेट 400, बट ठीक है, ये अच्छे से बैठ जाएगा इसमें। तो इसे मैंने निकाला था एक्चुअली दूसरे पावर सप्लाई से, तो
है, तो निकालने से लगाने के पहले से हम अच्छे से साफ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है गाइस, और ध्यान से एक चीज़ और कि आप जब भी इसे लगाएंगे इसका प्लस माइनस ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, इस तरफ पर ये जो लाइन है, ये लाइन इस तरीके से लाइन जो दिया है इसका माइनस होता है और इसमें ये चीज़ माइनस होता है इसका, तो आप इस तरीके से इसे इंस्टॉल कर दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से बैठ चुका है, और जाड़ा वाला भी बैठ जाता था, बट ठीक है हम उसे चेंज नहीं करेंगे बार बार। ठीक है, तो ये हो चुका है, और एक बार हम इसे कटर से क्लीन करेंगे इसके लीड्स को। ठीक है गाइस, और एक बार हम इसका वोल्टेज भी चेक करेंगे सेकेंडरी के कैपेसिटर पे। ठीक है, तो मार्कर से थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे इसके कैपेसिटर्स को, कहाँ पे है ये, एक यहाँ पे है। ठीक है, और एक यहाँ पर है, ये है। ठीक है गाइस, तो आइए हम चेक कर लेते हैं एक बार इसे। ठीक सबसे पहले हम इसके बड़े कैपेसिटर पर इसका वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, ओवर हो रहा है 320 समथिंग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम 200 पे सेट करेंगे और इसके इस सेक्शन पे भी वोल्टेज चेक कर लेंगे। ठीक है, 24 आ रहा है, 24, उसके बाद यहाँ पे 24 और 3। ये वोल्टेज एक्चुअली यहाँ को ये इस तरफ जाता है वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए होता है दूसरे सेक्शन को, तो इसलिए वहाँ पे 3 वोल्ट आया है। और अभी हम एक बार फिर से इसके बड़े वाले कैपेसिटर पे वैल्यूज़ की चेक करेंगे कि डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए फटाफट डिस्चार्ज हो गया है। अगर इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है तो इसके आईसी वगैरह सब ओके है, अच्छे हैं। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझा होगा, और अगर किसी भाई को मेरे नहीं समझा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि उसे क्या क्या इसमें और कुछ समझना है, तो मैं उसे बारे में प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।